दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है हिंदी स्टेनोग्राफी में क्या आधा मां बनाया जाता होगा, जैसे लंबा, खंबा, लैंप, लंब आदि। कहने का मतलब है, आज तक जब भी किसी शब्द में आधा मां आता था, जैसे लंब, तो आप क्या करते थे? व्यंजन ला, मां और बा का संकेत बना देते थे और वाक्य या शब्द अनुसार इसे लंब पढ़ लेते थे। लेकिन आज इस वीडियो को देखने के बाद आप शायद ही कभी ऐसा करेंगी, क्योंकि हिंदी स्टेनोग्राफी में आधा माँ का संकेत बनाया जाता है, लेकिन कुछ नियम एवं शर्तों के साथ। बात सिर्फ आधे माँ के संकेत बनाने की नहीं है, बात यह है आप जहाँ लंब या लैंप लिखने के लिए कुल तीन संकेत बना रहे थे, पहले ला, फिर माँ और अंत में बा या पा, आप वहाँ आधे माँ का संकेत बनाकर मात्र दो रेखाओं में लंब, लैंप आदि लिख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं आधे माँ का संकेत कैसे बनाया जाता है। जैसे यह व्यंजन माँ का संकेत है और यदि आप इसे थोड़ा गहरा बनाते हैं, मतलब माँ के संकेत को डार्क बना देते हैं, तो दो बातें हो जाएंगी। पहली बात, व्यंजन माँ आधा हो जाएगा और दूसरी बात, इस आधे माँ के साथ वाक्य या शब्द अनुसार हमेशा व्यंजन पा या बा पढ़ा जाएगा। गहरा माँ का संकेत का मतलब आधे माँ के साथ पा या बा पढ़ा जाएगा, जैसे लंब या लंप। व्यंजन ला का संकेत जैसा बनाते हैं वैसा ही बनाया है, केवल व्यंजन माँ के साथ संकेत को गहरा कर दिया है, जिससे व्यंजन माँ आधा हो गया और उसके साथ पा या बा वाक्य या शब्द अनुसार पढ़ा जा रहा है। इसी तरह पंप, व्यंजन पा का संकेत जैसा बनाते हैं वैसा ही बना है और गहरा माँ होने के कारण आधे माँ का साथ पा पढ़ा जा रहा है। अब बात करते हैं स्वर, व्यंजन और मात्राओं के संकेत कैसे लगाए जाते हैं। जैसे कोलंबो, बम्बा, अम्बा आदि। अम्ब या अम्ब के बीच में किसी भी प्रकार की मात्रा या स्वर नहीं लगाया जाता है। अम्ब या अम्ब के संकेत के पहले या बाद में जो भी स्वर, व्यंजन और मात्राओं के संकेत होते हैं, उन्हें यथास्थान लगाया जाता है। बस अम्ब या अम्प के बीच में किसी भी प्रकार का संकेत नहीं लगाया जाता है। जैसे कोलंबो, कोलंबो लिखने के लिए का में ओ की मात्रा, ला और मा डार्क लग करके बीच में ओ की मात्रा लगाते हैं, तो ये हो जाएगा कोलंबो। बम्बा, बा और मा डार्क आ की मात्रा, तो हो गया बम्बा। अम्बा लिखने के लिए मा डार्क, उसके ऊपर आ का स्वर और आ की मात्रा बाद में लगेगी, तो हो गया अम्बा। तो उम्मीद है आपको आज के टॉपिक का कंसेप्ट समझ में आया होगा। यदि आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं, ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो सकें। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक स्टेनोग्राफी की अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि आगे आने वाला चैप्टर आपको अच्छी तरह समझ में आ सके। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि भविष्य में आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें।